वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मंतोष और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मंतोष दे में। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अगर रेगुलर LPG के कस्टमर हैं और आपको 17 डिजिट LPG ID का नंबर पता नहीं है तो आप उसको किस तरह से पता कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आपका LPG का जो 17 डिजिट का नंबर है उसको आप दो तरीकों से पता कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वो क्या है तरीके मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने मोबाइल के गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। फ्रेंड्स, गूगल क्रोम को ओपन कर लेने के बाद हम लोगों को सर्च बार में टाइप करना होता है फ्रेंड्स, My LPG। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग My LPG यहाँ पे टाइप करते हैं। My LPG टाइप कर लेने के बाद उसको हम लोगों को सर्च कर देना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सर्च करते हैं। सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे फ्रेंड्स आपको दिखेगा My LPG.in। तो फ्रेंड्स, इस पर हम लोगों को क्लिक करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इस पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको दिखेगा My LPG.in का होम पेज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका राइट साइड में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका 17 डिजिट का जो नंबर होता है फ्रेंड्स, अगर आपको पता है तो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है फ्रेंड्स, तो क्लिक हेयर में आपको टच करके फ्रेंड्स 17 डिजिट का क्या प्रोसेस है वो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज शो अप हो जाएगा, जहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका, तो यहाँ पहले मैं आपको जूम कर दे रहा हूँ फ्रेंड्स, जूम करके दिखा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका पे तीन जो गैस की कंपनियां हैं वो आपको दिखेंगी, जैसे भारत गैस, HP गैस और इंडेन गैस। तो फ्रेंड, आपका जिस कंपनी का गैस है आप उस वाले पे आपको क्लिक करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडेन वाले पे क्लिक करते हैं। इंडेन वाले पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे फ्रेंड्स आपको यहाँ दिख जाएगा कि साइन इन और रजिस्टर। तो फ्रेंड्स, अगर आप यहां पे साइन इन करना चाहते हैं, मतलब आपका पहले से अगर यूज़र आईडी और पासवर्ड बना हुआ है तो आप यहां पे साइन इन कर सकते हैं, और अगर आपको बनाना है फ्रेंड्स तो आप रजिस्टर पे यहां पे क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पे आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है, जहाँ पर आपको दिख रहा है फाइंड योर LPG ID। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप LPG ID अपने मोबाइल नंबर डालकर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपने मोबाइल नंबर डालना है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। मेरा मतलब है कि फ्रेंड्स, आपने जो LPG कनेक्शन लेते वक्त जो मोबाइल नंबर डाला था वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना होता है, क्योंकि उस मोबाइल नंबर पे OTP जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सेम मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना होता है, और अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे दूसरा स्टेप भी अपना सकते हैं। सेकेंड स्टेप में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर नेम है, मतलब आपका जहाँ पे गैस कनेक्शन है उस डिस्ट्रीब्यूटर का यहाँ पे आपको नाम डालना होता है, और आपका जो LPG का कंज्यूमर नंबर है वो कंज्यूमर नंबर यहाँ पे आपको डालना होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप दो ऑप्शन डाल सकते हैं, या और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका कैप्चा दिख रहा है, यहाँ पे जो I am not robot, इस पर आपको टिकआउट कर देना होता है। टिकआउट कर देने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोसीड का जो बटन दिख रहा है, ये प्रोसीड वाले बटन पे आपको क्लिक करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ऊपर की ओर चलते हैं, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिलअप करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अपना जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को फिलअप कर दिया है। फिलअप कर देने के बाद फ्रेंड्स हम लोगों को स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो आपको बॉक्स दिख रहा है फ्रेंड्स, ये बॉक्स पे आपको टिक कर देना है। तो टिक कर देने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे करना क्या है, जो प्रोसीड का बटन दिख रहा है ये प्रोसीड वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में 1 टाइम पासवर्ड चला जाएगा। तो फ्रेंड्स वो वाले OTP को हम लोग को यहाँ पे फिलअप कर देना है।
तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरे मोबाइल में ओटीपी आ चुका है। अब वो वाले ओटीपी को हम लोग को इस बॉक्स पे फिलअप कर देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने जो ओटीपी आया हुआ है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। डाल देने के बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है, यहाँ पे जो आपको वेरीफाई का जो बटन दिख रहा है, ये वेरीफाई वाले बटन पे आपको क्लिक कर देना होता है। जैसे ही वेरीफाई वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा फ्रेंड्स, आपके पास आपका जो 17 डिजिट का एलपीजी आईडी नंबर है वो एलपीजी आईडी नंबर आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया है, जहाँ पे आपको कन्फर्मेशन का मैसेज आ रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है योर एलपीजी आईडी इज, मतलब आपका जो 17 डिजिट का एलपीजी आईडी नंबर है वो आपके सामने आ गया है। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान तरीका है, आप अगर अपने एलपीजी आईडी को भूल गए हैं तो आप 17 डिजिट का एलपीजी आईडी बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ गया है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू।